ओके, अपना मोबाइल उठाएं, क्रोम खोलें, google.com पे जाएं और चीता लिख के सर्च करें। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास ये व्यू इन 3D का बटन आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये आपको इधर 3D में ले आएगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपके पास ये जो बटन आ रहा है व्यू इन योर स्पेस का, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ये इस जानवर को आपके कैमरे में ले आएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका मोबाइल गूगल ऑगमेंटेड रियलिटी का सपोर्ट करता हो। को एक दफ़ा मोबाइल घुमाना पड़ेगा जिससे वो आपकी लाइटिंग को और आपके फ्लोर को डिटेक्ट करेगा। ये करने के बाद आपके सामने ये कैमरे के ऊपर ये एनिमल बना देगा। और अच्छी चीज़ ये है कि आप इसको डिफरेंट एंगल से जाके देख सकते हैं और ये एनिमेटेड है। ये नीचे दिखा रहा है कि आपके पास और कौन कौन से जानवरों की ऑप्शन है। हम कोई दूसरा एनिमल ट्राई कर लेते हैं। हम डकी ट्राई कर लेते हैं, डकी भाई को नहीं, हम डक को ट्राई कर लेते हैं। बाय द वे, ये जो डक है ये बिल्कुल वही वाली है जो डकी भाई का लोगो है। खैर छोड़ो, इसको ट्राई कर लेते हैं। तो ये देखो, आपके पास साउंड भी आएगी और ये एनिमेटेड एक डक आपके सामने आ जाएगी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्यूचर है गूगल का, जो बहुत कम लोगों को पता है, ख़ास तौर से बच्चों को इसमें बहुत एंटरटेन कर सकता है।